मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप विंडोज 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप किसी भी टोरेंट वेबसाइट पर जाइए। अभी सबसे फास्ट यूके पायरेट टोरेंट है, तो आप उस पर जाइए और फिर वहां पर सर्च कीजिए विंडोज 10। तो मैं यहां पर सर्च कर रहा हूं विंडोज 10। तो मैंने पायरेट सर्च किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे सर्च हैं। तो हमेशा सबसे पहला सर्च कर सकते हैं क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स होते हैं, तो जल्दी डाउनलोड होते हैं। हाँ, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गेट दिस टोरेंट का एक मैग्नेट लिंक आ रहा है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो आपका यू टोरेंट खुलेगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं आपको डाउनलोड का कोई नहीं दिखाऊंगा, तो आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ना, अब दूसरा सॉफ्टवेयर हमें जो चाहिए वो है पावर आई। पावर आई से डाउनलोड करेंगे 32 बिट या 64 जैसा भी आपको चाहिए। मैं यहाँ पर 64 बिट कर रहा हूँ क्योंकि मेरा 64 बिट सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो डाउनलोड हो रहा है। तो ये डाउनलोड होने के बाद इसको इंस्टॉल करेंगे, तब तक आप पेन ड्राइव डालिए पीसी में। और अगर आपकी पेन ड्राइव कम से कम 8 GB की होनी चाहिए, क्योंकि आपका जो विंडोज 10 है वो 3.6 GB का होगा, तो आप पेन ड्राइव लीजिए और उस पेन ड्राइव को फॉर्मेट मार दीजिए। अगर आपका कुछ डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप उसे अलग से सेव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर फॉर्मेट मार रहा हूँ उस पेन ड्राइव को, तो मैंने यहाँ पर राइट क्लिक जाके फॉर्मेट पे स्टार्ट कर दिया फॉर्मेट। अब ये बोल रहा है कि मेरी पेन ड्राइव यूज़ में आ रही है, कोई बात नहीं, मुझे कुछ भी फॉर्मेट आई एम क्लिकिंग ऑन यस। सो ये थोड़ा सा मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लेंगे। अगर आपके पास कुछ डेटा है तो मैक्स टू मैक्स 1 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी। सो अभी मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट हो चुकी है। अगर आप पेन ड्राइव फॉर्मेट नहीं करना चाहते तो भी चलेगा, जब आप इसको बूटेबल डिवाइस क्रिएट करेंगे तभी ऑटोमेटिक फॉर्मेट हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप यहाँ पर फॉर्मेट करके। अब मैं पावर आई से इंस्टॉल करूँगा। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, बस मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से इंस्टॉल करना है। तो पावर इंस्टॉलेशन तब तक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मेरा विंडोज 10 भी डाउनलोड हो चुका है। तो ये जो है वो विंडोज 10 आप देख सकते हैं आई एस ओ फॉर्मेट दिख रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पावर आई एस ओ इस तरह से आएगा। मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसके लिए आ रहा है, अदरवाइज नहीं आता है। तो आप देखिए आप इस तरह एग्री माई एग्री करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके आप पावर आई एस ओ इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आपको पावर एक बार आपका पीसी रिफ्रेश करना पड़ेगा, आई मीन टू से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक इंस्टॉलेशन कैंसिल कर रहा हूँ। अब मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ विंडोज 10 को और मैं पावर आई एस ओ में जाता हूँ। तो फिर मैं एक्सपेक्ट विंडोज 10 नहीं, मैं यहाँ पर ओपन विथ पावर आई एस ओ करूँगा। तो ये पावर आई एस ओ में खुलेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फ्री वर्जन है, तो आपको 5 सेकंड वेट करना पड़ेगा। यहाँ पर वो हाईलाइट होगा कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड। तो मैं कंटिन्यू अनरजिस्टर्ड क्लिक करता हूँ, मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ। अब आप देखिए आप टूल्स में जाइए, टूल्स में आप देखेंगे क्रिएट बूटेबल यूएसबी ड्राइव। तो इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेटर यूजर एडमिन चाहिए, तो आप ओके दबाइए तो आप एडमिनिस्ट्रेटर लॉगिन कर लेंगे। तो ये फिर से रीस्टार्ट होगा, आप उसको कंटिन्यू ऑन रजिस्टर पे वापस क्लिक कीजिए तो आपका बूटिंग प्रोसेस चालू हो जाएगा। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी पेन ड्राइव का नाम लिखा हुआ है 8 GB। तो अब मैं अगर स्टार्ट की बटन दबाऊंगा तो मेरी पेन ड्राइव फॉर्मेट होगी प्लस बूटिंग, तो बूटेबल डिवाइस पर एक बार आपको पूछी लगे कि विल फॉर्मेट ऑल डिवाइस, सो यू कैन सी ऑल डेटा इन योर ड्राइव इन योर होम। तो ये चलेगा, ऑलरेडी फॉर्मेट कर चुका हूं मैं। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगा, इस प्रोसेस में मैच को कॉपी कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं राइटिंग योर ड्राइव 0%, तो ये इंक्रीज होता जाएगा 1%। तो जब तक ये इंक्रीज होता है तब तक हम वेट करते हैं। आप देख सकते हैं इसको 13 मिनट लगे डालेंगे और फिर आप अपने पीसी को स्टार्ट करेंगे। पावर ऑन करने के बाद आपको F8 या F12 जो भी आपका बूट मेन्यू में जाने के लिए ऑप्शन होता है, मेरे पीसी में तोशिबा में F8 है। तो जैसे आप F8 करेंगे आपको बूट मेन्यू आएगा, उसमें आपको USB सेलेक्ट करना है। अब USB को एंटर मारेंगे तो आपको विंडोज़ का लोगो दिखेगा, और विंडोज़ के लोगो के बाद आपको एक विंडोज़ सेटअप का डायलॉग बॉक्स खुलेगा जिसमें आप अपनी लैंग्वेज इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंग्लिश इंडिया सेलेक्ट कर रहा हूँ। आप इंग्लिश यूएसए भी सिलेक्ट कर सकते हैं, बट मुझे इंडियन अच्छा लगता है क्योंकि आई एम इंडियन। यहाँ पर इंस्टॉल ना हो, तो आप रिपेयर भी कर सकते हैं, तो फॉर्मेट हो गया नया हो जाएगा।
अपग्रेड मत कीजिए, आप कस्टम पे क्लिक कीजिए। फॉर्मेट करने से पहले फॉर्मेट तभी कीजिएगा जब आपका आपको डेटा नहीं चाहिए। अगर आपको डेटा चाहिए तो आप गेटिंग क्रिटिकल अपडेट्स रेडी, तो इंस्टॉलिंग अपडेट हो रही है यहाँ पे। इसमें भी कम से कम 15 से 20 मिनट लगते हैं, ये देख रहे हैं, बोल रहे हैं। स्क्रीन मोड से नॉर्मल स्क्रीन मोड में आ जाएगा, तो आप कीप चेंजेस पे क्लिक कीजिए तो आपके चेंजेस बरकरार रहेंगे। अभी आपने विंडोज 10 तो डाल दी है, लेकिन अब इसमें बहुत सारे ड्राइवर्स भी रहेंगे।